भव्य करने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हद पार कर दी है। देश के लिए दो महान लोगों की कुर्बानी देने वाले गांधी परिवार की सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़कर राजनीति में एक मिसाल कायम की है। वह विपक्षी दलों के लोगों के साथ भी सम्मान से पेश आती हैं। स्मृति ईरानी ने ऐसी आदरणीय सोनिया जी के साथ बदसलूकी कर अपनी संस्कृति दिखाई है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष संध्या सावलाखे ने चेतावनी दी कि ईरानी को सोनिया जी से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उन्हें सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष संध्या सावलाखे के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दहनु स्थित आवास पर धरना दिया। इस बार वह मीडिया से बात कर रही थी। संध्या सावलाखे ने आगे कहा कि स्मृति ईरानी की 18 साल की बेटी गोवा में अवैध बार चलाती है। इसके खिलाफ कांग्रेस ने जब जवाब मांगा तो स्मृति ईरानी भड़क गई। सोनिया जी 75 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में एक सम्मानित नेता है। लोकतंत्र में विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन स्मृति ईरानी ने बदतमीजी की और सरकार को दुविधा में डालकर स्मृति ईरानी की बेटी की अवैध गतिविधियों को सामने लाया। सावलाखे ने चेतावनी दी कि हमारे नेताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।